अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। जियो फाइबर लॉन्च 699 रुपये में ब्लूटूथ और 1299 रुपये या उसके ऊपर के प्लान पर टीवी फ्री। अच्छा तो दोस्तों आपको भी मालूम होगा कि जियो गीगा फाइबर जो है वो हमारे लिए कल शाम 5 बजे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। इसके जो प्लान्स की शुरुआत है वो 699 रुपये से यानी कि 700 रुपये से की गई है, जिसमें आपको 100 GB का डाटा और प्लस 50 GB डाटा एक्स्ट्रा फ्री दिया जा रहा है और साथ में आपको ब्लूटूथ का स्पीकर भी फ्री दिया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम इसके हायर प्लान्स के बारे में बात करें तो ये हमारा 8499 रुपये तक का जाता है यानी 8500 रुपये तक के उसका प्लान्स है वो हमारे लिए जाता है हायर कैपेसिटी में, यानी कि प्लेटिनम पैक के बारे में अगर हम डायमंड पैक के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम आपको इसके प्लान्स के बारे में बताने नहीं वाले, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके बारे में पहले ही जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि कल शाम के बाद से बहुत से यूट्यूब पर आपको इसकी तरह की वीडियो देखने को मिल गई होंगी, इसके प्लान्स के बारे में जानने का मौका भी मिल गया होगा या फिर आपको टीवी चैनल्स पर देखने का मौका मिल गया होगा या फिर अपने सुबह सुबह न्यूज़पेपर में भी पढ़ लिया होगा। लेकिन यहाँ पर जो है हम उस बात पर चर्चा करेंगे जिसको लेकर काफ़ी बातें पहले से की जा रही थी कि यदि जियो गीगा फाइबर हमारे लिए आता है तो कहीं ना कहीं इसका DTH इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हमारा डिश टीवी है, टाटा स्काई है, एयरटेल डिजिटल टीवी है, D2H है, सन डायरेक्ट है, तो इन पर कहीं ना कहीं हमें असर देखने को मिलेगा और इनका जो सब्सक्राइबर बेस है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी पेशी देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमें पहले ये उम्मीदें थी कि जब जो DTH ऑपरेटर्स अपनी तरीके से पैकेज बना कर देते थे तो हमें यह था कि जब जियो गीगा फाइबर हमारे लिए लॉन्च होगा तो हमें काफ़ी चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट में देगा, यानी कि जिस तरह से जियो ने अपने टेलीकॉम सेक्टर में धमाल मचाया था, क्योंकि यहीं पर कहीं ना कहीं 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के लिए आपको जो था कनेक्शन फ्री दिया गया था, जिसमें आपको डाटा भी फ्री मिला था, वॉइस कॉल भी फ्री मिली थी। और यहाँ पर जो है हमको DTH इंडस्ट्री में भी कुछ इसी तरह की उम्मीदें थी कि यदि DTH को टक्कर देनी है तो हमें कहीं ना कहीं जो है लाभ मिलेगा और यहाँ पर भी हमें करीब 6 महीने तक का तो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्लान देखने को मिल ही सकता है शुरुआती तौर पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जियो गीगा फाइबर की जो प्लान्स की शुरुआत है वही 700 रुपये से है और जो हमारे टीवी चैनल्स का जो मनोरंजन है वो भी पूरा जो है हमारा डाटा पर ही निर्भर करता है। यानी कि कह लिया जाए तो यदि आप जियो गीगा फाइबर को DTH हटवा कर लगवा भी लेते हैं टीवी चैनल्स को देखने के लिए, तो यहाँ पर आपको टीवी चैनल्स देखने का मौका तब तक ही मिलेगा जब तक आपका डाटा सेफ है। यानी कह लिया जाए तो 100 GB का डाटा जो है वो आपको 28 दिनों की वैधता के साथ दिया जा रहा है और साथ में आपको 50 GB एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर 150 GB का डाटा आपको इस्तेमाल करना है पूरे 28 दिनों के लिए। और इसमें आपको टीवी भी देखने को मिलेगा या फिर इसके अलावा जो भी जियो आपको एप्लीकेशंस चलाने का मौका दे रहा है, जैसे कि जियो सिनेमा, जियो सावन, जो भी एप्लीकेशंस जियो की हमारे लिए चलती है उसे चलाने का मौका दे रहा है, लेकिन उसका जो डाटा है वो इसी में ही आपका इस्तेमाल होगा। तो कहीं ना कहीं जो है हमें टीवी मनोरंजन में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम DTH के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए हम शुरुआती प्लान्स के बारे में बात करेंगे, 153 रुपीज़ से प्लान्स की शुरुआत होती है अभी ट्राई के नियम के अनुसार, और ये जो प्लान्स है वो काफ़ी हायर तक जा सकते हैं वो भी आपकी इच्छा अनुसार, क्योंकि जो आप चैनल देखना चाहते हैं उसी का पैसा देते हैं, इसके अलावा किसी का भी पैसा नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपके प्लान्स की शुरुआत जो है वो 700 रुपये से ही शुरू होगी और इसकी जो रेंज है वो काफ़ी हाई तक जा रही है। लेकिन यहाँ पर जियो गीगा फाइबर में आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है कि यहाँ पर आपको सभी OTT एप्लीकेशन चलाने का तो मौका मिल ही रहा है, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ स्पीकर भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर की लालच नहीं करते हैं और उसको अलग से खरीद लेते हैं तो मेरा मानना यही है कि अगर आप टीवी छोड़कर यानी DTH चेंज करने के लिए जियो गीगा फाइबर की ओर जा रहे हैं तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि उसकी ओर बढ़ने से पहले एक बार सोच विचार जरूर करें, क्योंकि वहां पर जो है टीवी का मनोरंजन केवल डाटा पर ही सीमित रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम 153 रुपीज़ में DTH में कोई भी प्लान चुन लेते हैं, मान लीजिए फ्री टूर चैनल्स के लिए अभी हमने 153 रुपीज़ पे कर दिए, तो हमें पूरा मन में विश्वास है, कोई डर नहीं है कि हमारा जो टीवी चैनल है वो डाटा खत्म होते ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमने पूरी पेमेंट दे रखी है वो पूरे 1 महीने के लिए पेमेंट दे रखी है। पूरे 1 महीने के लिए आपको जो टीवी है बिना इंटरप्शन के चलेगा, बारिश हो जाती है वही सिग्नल आपको थोड़ी बहुत तो 2 से 5 मिनट या 10 मिनट दिक्कत करते हैं, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो है जैसे ही आपका डाटा खत्म हुआ तो आपका जो टीवी है वो बंद हो जाएगा, यानी चैनल भी आपको सोच सोच कर ही चलाना पड़ेगा कि कौन सा चैनल मैं देखूँ कौन सा चैनल ना देखूँ जिस पर डाटा जो मेरा ज़्यादा
कंज्यूम ना हो। हाई डेफिनेशन का चैनल देखोगे तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी डाटा आपका कंज्यूम होगा और वहाँ पर जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और जो पिक्चर क्वालिटी है वो हाई की जगह आपको बिल्कुल लो पर चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है जियो गीगा फाइबर जो है वो डीटीएच इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए नहीं नज़र आ रहा है। मैं आपसे भी इस पर जो है वो सवाल करता हूँ और आपसे मैं इस पर जवाब मांगना चाहूँगा कि आपका क्या मानना है, क्या वाकई में आपको लगता है कि जो 700 रुपये से प्लान्स की शुरुआत हमारे लिए जियो गीगा फाइबर में हो रही है तो इस पे जो है हमारा डीटीएच इंडस्ट्री पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि डीटीएच ऑपरेटर्स जो थे वो भी इसी बात से घबराए हुए थे कि आखिर जियो किस तरह का प्लान्स हमारे लिए लॉन्च करता है और कहीं ना कहीं हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे लिए छीन ना जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि डीटीएच इंडस्ट्री और जियो गीगा फाइबर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप ज़्यादातर ऑनलाइन कंटेंट ही देखना पसंद करते हैं तो ही आप जियो गीगा फाइबर को चुन सकते हैं। अगर आप लेकिन टीवी चैनल्स को देखने के लिए जियो गीगा फाइबर को चुन रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर आपका डीटीएच ऑपरेटर है वही आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जियो के फाइबर के जो प्लान्स है उसमें 700 रुपये में प्लान्स में आपको केवल 150 GB डाटा दिया जा रहा है और इसके अलावा ब्लूटूथ स्पीकर जो है वो आपको फ्री में दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है वो केवल हायर एंड प्लान्स वालों को ही मिलने वाला है, जो कि एनुअल प्लान लेंगे या फिर काफ़ी महंगे प्लान खरीदेंगे जिसकी कीमत 5,000, 6,000, 7,000 होगी, 8,000 होगी, उन्हीं को यहाँ पर फायदा मिलेगा। उन्हीं को यहाँ पर स्मार्ट टीवी मिलेगी, उन्हीं को यहाँ पर 4K सेटअप बॉक्स मिलेगा और उन्हीं को यहाँ पर जो है फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो है फिल्म को देखने का जो है मौका मिलेगा। यहाँ पर जो है सबसे बेसिक प्लान हमारा जो 700 रुपये से शुरू हो रहा है उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही चलाने का मौका मिलेगा और ये जो एप्लीकेशन है वो हम अपने एंड्रॉयड जो है मोबाइल में भी आराम से चला लेते हैं। तो इसके लिए हम इतना खर्चा क्यों करें? पहले कनेक्शन को आप खरीदेंगे, उसके बाद हर महीने का रिचार्ज जो है वो 700 रुपये से करवाएंगे, 28 दिनों की वैलिडिटी में जो है टीवी का मनोरंजन भी आपका आधा अधूरा ही रहेगा और कुछ एप्लीकेशन ही हैं जो उसका कंटेंट जो आप आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ आप समझ गए होंगे इस बारे में कि आखिर हमारा टीवी का मनोरंजन जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें काफ़ी दिक्कत देखने को मिल सकता है जियो गीगा फाइबर में। और यदि आप टीवी चैनल्स को बिना किसी दिक्कत के देखना चाहते हैं तो आप डीटीएच कनेक्शन के साथ ही बने रहेंगे तो ही उसमें आपका भलाई होगी, फायदा होगा। बाकी आपके मन में जो भी सवाल बने हुए हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपके मन में कोई सुझाव है वो देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे दे भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।